देखिए बड़ा ही लंबा खींचा आप लोगों को, ठीक है, आज आज़ादी दिला ही देंगे, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तक, आज हमें उससे आगे कवर करना है और 1947 पहुंचा देंगे आपको। तो देखिए सबसे पहली चीज़ जो है, हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, ठीक है। तो उसी भारत सरकार, जैसे आज का संविधान है, ठीक है, तो आज के संविधान के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में देश में इलेक्शंस होते हैं, तो ठीक उसी तरीके से उस टाइम पर जो इलेक्शंस होते थे वो इलेक्शंस होते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग 1936 और 1937 के जो मतलब गर्मी सर्दियों वाला जो टाइम होता है, ठीक है, दिसंबर जनवरी फरवरी वाला, उस टाइम पे इलेक्शंस हुए, ठीक है। तो यहीं पर ही बात आती है कि उसी को ही थोड़ा सा देखना है, क्योंकि प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, राज्यों के इलेक्शंस हुए थे, और उससे बहुत कुछ क्लियर हो रहा है यहाँ पर और होने वाला है, उसको समझना है। तो इन INC 1936 सेशन, 1936 में जो INC का सेशन हुआ, हेल्ड इन द सिटी ऑफ लखनऊ, लखनऊ में हुआ, द कांग्रेस पार्टी एग्रीड टू कॉन्टेस्ट द प्रोविंशियल इलेक्शंस टू बी हेल्ड इन विंटर ऑफ 1936-37। तो वो INC इंटरनेशनल कांग्रेस का 1936 का सेशन जो लखनऊ में हुआ, वहाँ पे सब लोग राजी हो गए, कांग्रेस पार्टी राजी हो गई कि ठीक है 1936 में और 1937 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है, प्रोविंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं, उनमें हम भाग लेंगे। अब इलेक्शंस कितने में जगह पर होने वाले, तो इलेक्शंस वर हेल्ड इन 11 प्रोविंसेस। तो जैसे आज होते हैं ना अलग अलग राज्यों में, जैसे ठीक है, तो अब उस टाइम पर कितने राज्यों में इलेक्शंस होने वाले, तो 11 प्रोविंसेस में इलेक्शंस होने वाले थे, ठीक है। अब यहीं पर ही बात आती है वो कौन कौन सी थी, तो मद्रास सेंट्रल प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आसाम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, बंगाल, पंजाब एंड सिंध, इन सब जगहों पर ये राज्य थे उस टाइम पर, जिनको राज्यों को उस टाइम पर प्रोविंसेस बोला जाता था, प्रांत बोला जाता था, ठीक है, और यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले वाले थे। तो कांग्रेस पार्टी कॉन्टेस्टेड 716 आउट ऑफ 1161 सीट्स। तो इसने कांग्रेस पार्टी 716 सीटों पर इलेक्शन लड़ा 1161 में से। अब यहीं पर ही बात आती है कि कांग्रेस गॉट मेजोरिटी इन ऑल द प्रोविंसेस एक्सेप्ट बंगाल, आसाम, पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। कांग्रेस पार्टी की हर जगह बहुमत आया, ठीक है, सिवाय किसको छोड़ के, बंगाल, आसाम, पंजाब, सिंध एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इन नामों को देखो ढंग से, तो अगर कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं आया तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई किसने, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग की अच्छी परफॉर्मेंस थी इन जगहों, मतलब अच्छी परफॉर्मेंस मतलब मेजोरिटी नहीं थी बट ठीक ठाक सीटें थी। तो अब जिसकी वजह से आप, जब यहीं से दिमाग खराब होना शुरू होता है मोहम्मद अली जिन्ना का, जब उन्हें देखा कि मेरे भी कुछ चाहने वाले हैं, मुस्लिम लीग के भी कुछ सपोर्टर हैं, तो बंगाल में, आसाम में, पंजाब में, सिंध में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, इन जगहों पर जब मुस्लिम लीग की अच्छी खासी सीटें आई ना, तो तब से उसने सेपरेट इलेक्टोरेट की मतलब सॉरी पार्टीशन की डिमांड करनी शुरू कर दी, और अपना धीरे धीरे करके अपना अलग से पाकिस्तान बनाने की डिमांड उठने लगी और पाकिस्तान की डिमांड शुरू हो गई, ठीक है। और आप बाद में देखोगे कि आप यही जगह पाकिस्तान को दी गई, ये बंगाल आधा बटा, आसाम बटा, और उधर आधा पंजाब बटा, फिर सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तो पूरा पूरा पाकिस्तान में ही चला गया, यही जगह पाकिस्तान को गई, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, यहीं से जो होता है ना कि जब आदमी को लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है तब तक तो कुछ नहीं, और जब लगता है कि हाँ मेरे साथ कुछ सपोर्टर में पीछे बैक में है कुछ, तो आदमी का दिमाग खराब होने लग जाता है, और वही हुआ यहीं से मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, ठीक है। मेन जो शुरुआत होती है ना दिमाग खराब करने वाली, वो यहीं से होती है, तो यहीं पे। और इसके अलावा याद रखना कि इन पे मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, ठीक है, और कांग्रेस गॉट मेजोरिटी इन ऑल द प्रोविंसेस बट इन जगहों को छोड़ के, और कांग्रेस इमर्ज एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन बंगाल, आसाम एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। इनमें मतलब बड़ी पार्टी बन के उभरी, सीटें ज़्यादा थी लेकिन बहुमत नहीं था, ठीक है। तो बाकी मुस्लिम लीग की भी अच्छी खासी सीटें थी इन जगहों पर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो इसी के बाद से फिर मतलब राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार में बना चली गई और मुस्लिम लीग, इसके बाद क्या होता है कि उसी टाइम पे फिर नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी, जैसे आज होता है ना देश में प्लान करने के लिए, तो उस टाइम पर नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी 1938 में, जिसके प्रेसिडेंट बने सुभाष चंद्र बोस। कई बार पेपर पूछा गया कि 1938 में जब नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये याद रखनी है आपने बात। इसके बाद क्या होता है कि जैसे होता है ना कि कोई भी पार्टी होती है तो कोई भी पार्टी का जो मुखिया होता है उसी के हिसाब से पार्टी काम करती है, तो उसके प्रेसिडेंट का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वैसे ही उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी मेन पार्टी थी, तो कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन हुए, तो वहां पे सुभाष चंद्र बोस वन द कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन हरिपुरा गुजरात इन 1938। तो गुजरात के हरिपुरा में 1938 में जब इलेक्शन हुए, ठीक है, तो वहां पर क्या है, कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन मतलब कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था वो सुभाष चंद्र बोस ने जीता, और 1938 में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बन गए उसके।
फिर अगेन 1939 त्रिपुरी एमपी में एक और इलेक्शन होता है और ही वन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगेंस्ट गांधी जी कैंडिडेट। अभी सुभाष चंद्र बोस की जो पहुंच थी वो इस लेवल पर हो चुकी थी कि वो जो गांधी जी के कैंडिडेट थे पट्टाभि सीतारमैया, इनको गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे सोचो, और सुभाष चंद्र बोस जो उनके अगेंस्ट खड़े थे और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि सुभाष चंद्र बोस का क्या ऑरा रहा होगा उस टाइम पे। ड्यू टू आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज विद गांधी जी, बोस रिजाइन एंड लेफ्ट कांग्रेस। कुछ मगर कुछ समय बाद जो गांधी जी की सभी रिस्पेक्ट करते थे, मगर गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी वो अहिंसावादी थी, और सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी थी कि हर हाल में हमें आज़ादी चाहिए, फिर थोड़े बहुत किसके लाइफ से हम सेक्रीफाइस क्यों करना करना पड़े, वो वाली चीज़ थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो फिर यहीं पर ही क्या हो गया कि जब उन्होंने रिजाइन दिया, बट रिजाइन देने से पहले उन्होंने क्या है, एक मतलब रिजाइन देने के बाद या रिजाइन देने के टाइम पर ही फाउंडेड न्यू पार्टी द फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये जो बेसिकली जो कांग्रेस पार्टी में जो उनके सपोर्टर थे, उन सपोर्टर के साथ मिलकर उन्होंने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी को बोला गया फॉरवर्ड ब्लॉक। कई बार पेपर पूछा गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी किसने बनाई, तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी कोई अलग से बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, ये जो कांग्रेस पार्टी में ही जो सुभाष चंद्र बोस के सपोर्टर थे उनके साथ मिलकर उन्होंने ये पार्टी बनाई। तो ऐसे ही करके राज्यों में इलेक्शंस हुए, राज्यों में सरकार में है कांग्रेस पार्टी, मिनिस्ट्रीज में है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जब यहाँ पे 1939 में ना अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है और 1944-45 तक चलता है, और यहाँ पे अंग्रेजों की बहुत बुरी हालत होती है, और अंग्रेजों की बहुत बुरी हालत होने लग जाती है। और अंग्रेज जैसे पहले विश्व युद्ध में क्या किए थे कि इंडियन सेना को बिना हमसे पूछे भेज दिए थे, और हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए थे, ठीक है, जिनके लिए इंडिया गेट बनाया गया। हमें पता है कि मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और इंडो अफगान वॉर में जितने भी सैनिक मारे गए उन्हीं के लिए, ठीक है, इंडिया गेट बनाया गया था। तो अब बात यहीं पर ही आती है उन्हीं को मतलब वो शहीद जो हुए, ठीक है, अब उन्हीं का बात यहीं पर ही बात आती है कि ये जब यहाँ पे इलेक्शन होने लगा, तो जैसे पहले वर्ल्ड वॉर में उन्होंने यूज कर लिया था, तो वो सोच रहे थे इस बार भी इंडियन सेना को यूज कर लेंगे, पर उस टाइम पर लोग अवेयर नहीं थे। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लीडर सामने आ गए, ठीक है, अब इतने सारे लीडर्स थे तो कैसे भाई तुम यूज कर लोगे। गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, ठीक है, और नेहरू भी हैं, और हमारे सरदार पटेल हैं, और भी बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हैं इस टाइम पर, तो वो कैसे आप मतलब आप उसको इंडियन सेना को ले जाओगे। तो जब उनसे पूछा कि अंग्रेज क्या है हमारी सेना को ले जाने के लिए, कांग्रेस से और बाकी जो लीडर्स थे उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि हमें इंडियन सेना को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मतलब लड़ने की इजाजत दी जाए, तो अब इंडियंस वही गुस्सा आ गया, ठीक है। अब क्या है, लोग गलत सोच सकते थे कि कांग्रेस अगर गलती से वो सेना को भेज देते इंडियन सेना को, तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि रिजाइन दिया। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन अक्टूबर नवंबर 1939 आफ्टर 28 मंथ्स गवर्नमेंट। 28 महीने सरकार में रहने के बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाइस रॉय लॉर्ड लिलिथ गोज एक्शन ऑफ डिक्लेयरिंग इंडिया टू बी ए बेलिग्रेंट इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन पीपल। अब सोचो कि उन्हें बोल दिया कि जो वाइस रॉय लॉर्ड लिलिथ गो था कि हम इंडियन सेना को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लेके जाएंगे और वहां पे लड़ाई करवाएंगे। मजाक बात है भाई, तुम्हारी लड़ाई है, हमें क्यों ले जा रहे हो भाई घसीट के, हमारे हमारे सैनिकों को क्यों शहीद करवा रहे हो। यही बात भाई जब लगी तो कांग्रेस के सभी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया सभी लोगों ने, और रिजाइन करके भाई साहब आंदोलन के लिए सामने आ गए कि नहीं जाने देंगे, पहले वर्ल्ड वॉर वाली जो है मतलब गलती नहीं करेंगे। अब जब यहाँ पे सारे के सारे खड़े हो गए तो अब समझ नहीं आया। तो अब होता है ना कि जब आदमी दिक्कत में हो, तो दिक्कत में हो तो फिर वो नए नए तरीके अपनाता है। तो यहीं पर क्या हो गया कि फिर वो जो लॉर्ड लिलिथ गो था वाइस रॉय, वो एक ऑफर लेकर आया अगस्त के महीने में, 8 अगस्त 1940 को, उसको बोला गया अगस्त ऑफर। उसमें उन्हें इसने क्या कहा कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन ऑर्डर टू सिक्योर द कॉपरेशन ऑफ द इंडियन द ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉर्ड लिलिथ गो, ठीक है, जो वाइस रॉय रहा 1936 से 1944, मेड एन अनाउंसमेंट ऑन 8 अगस्त 1940 विच केम टू बी नोन एज अगस्त ऑफर। अब होता क्या है कि उनकी बहुत हालत खराब हो रही है, अंग्रेजों की बहुत हालत खराब हो रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और वो इंडियन सेना को चाहते हैं हर हाल में कि इंडियन सेना वहां पहुंचे। और उसने क्या किया, उसने कहा अगस्त के ऑफर में कि आप एक काम करो, हमें कॉपरेट करो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इंडियन सेना को ले जाने दो, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, सेंटर में आपकी सीटें बढ़ा देंगे। तो क्या मजाक चल रहा है यार, ठीक है, जब मन कर रहा है तब जो चल रहा है। तो हम सब ने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने सब ने इसे रिजेक्ट कर दिया कि हम मतलब डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, और हमें, ठीक है, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और हम यहाँ पे अपनी सेना नहीं ले जाने देंगे। और ऐसे करके अब क्या हो जाता है कि फिर ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जबरदस्ती सेना ले जाए, और बड़ा आंदोलन जो होता है ना उसे हमेशा वो नोटिस में आ जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है। तो यहां पर गांधी जी ने क्या है, एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करी, इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल मतलब पूरे देश में अलग अलग जगह
सत्य की राह पे चल के आग्रह करो, मतलब लोगों को अवेयर करो और अलग अलग जगह पूरे देश में मतलब वो दिखाओ, मतलब सत्याग्रह करो, ठीक है, बड़े आंदोलन ही छोटे छोटे आंदोलन। तो 17 अक्टूबर 1940 को इसकी शुरुआत होती है। तो गांधी जी लॉन्च इंडिविजुअल सत्याग्रह अगेंस्ट इन्वॉल्विंग इंडियंस इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो क्योंकि इंडियंस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना इन्वॉल्व किया जाए इसलिए। अब उनने क्या किया, जो मतलब होता है ना कि चूज कर रहा है कि कहाँ पे किसको भेजना है आंदोलन करने के लिए, तो आचार्य विनोबा भावे वॉज फर्स्ट टू ऑफर सत्याग्रही। तो पहले आंदोलनकारी सत्याग्रही जो उस टाइम पे आचार्य विनोबा भावे थे, और जब इन्होंने किया तो इनको मतलब वो सेंटेंस टू 3 months इम्प्रिजनमेंट, और इन्हें 3 महीने के लिए जेल डाल दिया। फिर जवाहरलाल नेहरू थे सेकेंड सत्याग्रही, उन्हें भी 4 months के लिए इम्प्रिजन कर दिया, जेल में डाल दिया, पकड़ गए। फिर तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो ऐसे करके पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे, सेकेंड थर्ड आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे करके इंडिविजुअल सत्याग्रह पूरे देश में अलग अलग जगह पर 15 महीने तक चला, ठीक है, जिसमें अलग अलग लीडर्स जिन्होंने आंदोलन किया उन्हें पकड़ के डाल दिया गया। बट इससे हो क्या रहा था कि बड़ा आंदोलन कोई हो नहीं रहा था, बट अवेयरनेस फैल रही थी छोटे छोटे रीजनल लेवल पर, तो वो एक अच्छी चीज थी, ठीक है। तो अब इसी बीच में क्या हो गया कि अंग्रेजों की फिर और हालत खराब होने लग गई है। तो अब यहां पर क्या हो गया कि अंग्रेज फिर एक और मतलब आइडिया लेकर आए, क्रिप्स मिशन, जिसमें 23 मार्च 1942 को कहा, ठीक है, ये आया अगस्त ऑफर। तो यहाँ क्रिप्स मिशन, तो यहाँ पे क्या है, इन मार्च 1942 अ मिशन हेडेड बाय स्टेफोर्ड क्रिप्स वाज सेंट टू इंडिया विद अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोजल टू सीक इंडियन सपोर्ट फॉर द वॉर। अब यहाँ पर क्या हो गया कि क्रिप्स मिशन आया 23 मार्च 1942 को, जब स्टेफोर्ड क्रिप्स जिसका हेड था इसका, जो उसके नाम पर ही है ये, तो अब ये क्या है, एक नया प्रपोजल लेकर आया जिसमें बोला कि आप हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करो, ठीक है, और हम आपको आजादी दे देंगे, ठीक है, मगर जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तब, और उसके लिए हम आजादी देंगे, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, एक संविधान सभा बनाएंगे जो संविधान लिखेगी, ठीक है। अब ये बात की, तो अब ऐसा ही उसने क्यों किया, ये इतने मजबूर क्यों हो रहे हैं इंडियंस की सेना को वहां पे ले जाने के लिए, इसकी वजह है कि जापानीज एग्रेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। तो जापान जो सेना है ना वो बहुत स्ट्रांग बन रही है, और मतलब अंग्रेजों की बहुत बुरी हालत कर रही है साउथ ईस्ट एशिया में, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत बुरी दिक्कत है, तो उसको प्रेशर भी क्रिएट हो रहा है, नीड एज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सिक्योर फुल पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इन द वॉर। तो ऐसे करके उसको अलग अलग देशों से, ठीक है, मतलब गुस्सा आ रहा है, ठीक है, चाइना वाले, ठीक है, यूएस वाले प्रेशर बना रहे हैं कि इंडियन सेना को क्या है इन्वॉल्व करो वहां पर, के ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ताकि मतलब जापान को दबाया जा सके, ये सब बातें चल रही हैं। तो माउंटिंग प्रेशर फ्रॉम चाइना, द यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज फ्रॉम द लेबर पार्टी इन ब्रिटेन लेड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल टू सेंड क्रिप्स मिशन इन इंडिया इन मार्च 1942। समझ रहे हो कि मतलब इतनी बुरी हालत हो गई कि अमेरिका भी इसको बोल रहा है कि इंडिया के खिलाफ क्या है, इंडिया को लेकर आओ मतलब यहां पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इतना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बहुत ही बुरी हालत है, बट भाई हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि पहले वर्ल्ड वॉर वाली गलती नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या हो गया कि फिर एक बार सोचा भी, तो यहां पर गांधी जी ने क्या किया, इसको क्रिप्स मिशन को बोल दिया पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक मतलब क्या होता है, जैसे चेक तो आज का है, आज दे दिया आपको, लेकिन उसकी डेट डाल दी 3 महीने 4 महीने 6 महीने की बात की, मतलब आज उसे आप एन कैश नहीं करा सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब बड़ी अजीब बात है, ठीक है, वादा आज कर रहे हो लेकिन निभाओगे मतलब जब खत्म होगी चीज है तब, तो ऐसे वादे को हम ना मानते, वादा आज कर रहे हो तो आज ही निभाओ। तो इसीलिए इसे पोस्ट डेटेड चेक का और इसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपने। अब यहां पर क्या हो गया, ठीक है, अब इसे रिजेक्ट कर दिया। अब यहां पर रिजेक्ट करने के बाद होता क्या है कि यहां पर है ना, मतलब डर था कि कहीं अंग्रेज सच में जबरदस्ती सेना ना ले जाए मतलब इंडियन सेना को, तो फिर यहां पर देर नहीं करी, और यहाँ पे गांधी जी ने एक तीसरा नया मूवमेंट लॉन्च किया। जो तीन बड़े मूवमेंट थे ना गांधी जी के, पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर सिविल डिसोबीडियंट, और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट। 8 अगस्त 1942 से 1944 तक ये आंदोलन चला, और ये बहुत ही बड़ा आंदोलन था, बहुत ही खतरनाक था, ठीक है। तो ये जो तीसरा, जब इंडिविजुअल सत्याग्रह जो चल रहा था उसको क्विट इंडिया मूवमेंट का नाम दे दिया, कि मतलब बड़े लेवल का मास मूवमेंट का नाम दे दिया। ऑन 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी इनिशिएटेड द क्विट इंडिया मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन फ्रॉम बॉम्बे, और बॉम्बे से उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करी, और अंग्रेजों को बोला कि अब हमें और नहीं चाहिए, आप ना आपका सपोर्ट चाहिए, हम देश चला लेंगे, बस आप देश छोड़ दो। और गांधी जी गेव द स्लोगन डू और डाई, और गांधी जी ने नारा दिया या तो करो या मरो, मतलब गांधी अहिंसावादी थे, तो डू और डाई का मतलब करो मरो या मारो नहीं, ठीक है, इसका मतलब है डू और डाई, मतलब करो या मरो, ठीक है, या तो अपना कर्तव्य करो देश के लिए, नहीं तो मर जाओ, ठीक है, तो वो चीज कही। तो इन स्पीच ऑफ गोवालिया टैंक मैदान, नाउ पॉपुलर नोन एज अगस्त क्रांति मैदान इन मुंबई, तो ये अगस्त क्रांति मैदान था मुंबई में, ठीक है, और वहां पर ये क्या स्लोगन दिया गया, डू और डाई, ठीक है, गोवालिया टैंक मैदान से। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कहां से इस आंदोलन की शुरुआत करी और कहां से
क्योंकि अगस्त के महीने में ये दिया गया, तो उसे इसलिए उसे अगस्त क्रांति मैदान भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है द स्लोगन क्विट इंडिया, ठीक है, वॉज कॉइन्ड बाय यूसुफ मेहरली। तो ये जो क्विट इंडिया जो शब्द है ये किसने दिया, ठीक है, तो ये एक मतलब मेयर थे मुंबई के, उन्होंने दिया, यूसुफ मेहरली, हु वॉज अ सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट, मतलब एक व्यापारी भी थे, ठीक है, ट्रेड यूनियनिस्ट थे और मुंबई के मेयर रह चुके हैं, तो इन्होंने ये दिया, इन्होंने ही ऑल्सो कॉइन द स्लोगन साइमन गो बैक, और साइमन वापस जाओ जो पहले 1928 में आया था, वो नारा भी इन्होंने दिया। तो अब ये जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ तो ये बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर बहुत ही खतरनाक मूवमेंट था, इतना ज्यादा, ठीक है, खतरनाक था कि कुछ ही पहले दूसरे कुछ ही दिनों के अंदर बड़े बड़े जो नेता थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, ठीक है, अब पकड़ के जेल में डाल दिया, तो आप समझ रहे हो कि भाई मतलब बहुत ही बुरा हो गया। तो उस टाइम पर फिर जो छोटे लीडर्स थे उन्होंने, ठीक है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया अलग अलग जगहों पे, जैसे आचार्य जेबी कृपलानी हो गए, ठीक है, और अरुण आसफ अली हो गए, ऐसे जो छोटे छोटे लीडर्स थे उन्होंने उसको आंदोलन को आगे बढ़ाया। अरुण आसफ अली ने तो इस आंदोलन में रेडियो सर्विसेज भी प्रोवाइड करी, तो ये चीज याद रखनी है। तो अरुण आसफ अली जो है एक फीमेल थी, पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जानी जाती थी, ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट इज नोन एज होस्टिंग द इंडियन फ्लैग, और इन्होंने तो इंडिया का झंडा भी मतलब कई जगहों पर क्या किया कि मतलब इतने बड़े लेवल पर आंदोलन हो गया तो कई जगहों से तो अंग्रेजों को उखाड़ फेंका, तो यही है, इसीलिए उन्होंने इंडियन झंडा लगाया, इंडियन फ्लैग एट द गोवालिया टैंक मैदान इन मुंबई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। इन्होंने मतलब वहां से बिल्कुल खत्म ही कर दिया और वहां पे इंडियन झंडा लगा दिया। तो इतने बड़े लेवल का आंदोलन था ये कि इसने क्या किया कि लगभग काफी लंबे समय तक चला, बड़े बड़े लीडर्स थे उन्हें तो जेल में डाल दिया, लेकिन छोटे लीडर्स भी थे वो भी, उन्होंने भी बहुत बड़े लेवल पर फैलाया इस आंदोलन को, और इसका बहुत वास्ट इंपैक्ट पड़ा। अब यहां पर क्या बात आती है कि लोगों को लगता है कि मतलब बुक्स में ही पढ़ोगे कि गांधी जी ने अहिंसा बोली, तो यहाँ पे अहिंसा नहीं हुई, बट मैं सच बताऊं आपको, ऐसा बोला जा रहा है कि अहिंसा नहीं हुई, बट क्योंकि वो तो जेल में थे उनके लिए, बट यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से लोगों को ने क्या किया, अंग्रेजों को पकड़ पकड़ के जहां देखा पेड़ पे लटका दिया, और अंग्रेजों ने भी बहुत सारे हमारे इंडियंस के साथ इसी तरीके से किया। तो बट इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा पड़ा कि मतलब इंटरनली अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि हम इंडियंस के बिना देश में या कुछ कर नहीं सकते। तो इस आंदोलन ने और पहले जो चीजें थी उसे एक चीज मतलब क्लियर हो गई कि इंटरनल मतलब प्रेशर इतना ज्यादा इंग्लिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर पड़ गया कि उन्हें समझ में आ गया कि अब नहीं तो थोड़े टाइम बाद हमें क्या है, इंडिया को छोड़ना ही पड़ेगा। और रही बच्ची कसर जो इंटरनल तो गांधी जी का हो गया, एक्सटर्नल सुभाष चंद्र बोस ने कर दिया। अब एक्सटर्नल सुभाष चंद्र बोस ने कैसे कर दिया, तो मैं बताता हूं कि जब 1939 में जब वो क्या है रिजाइन दिया कांग्रेस ने सभी मिनिस्ट्री से, तो 1940 में वो इंडिया से फिर यहां से कहाँ चले गए, जर्मनी चले गए थे, और जर्मनी में जाके हिटलर वगैरह से मिले, और हिटलर से मिले सुभाष चंद्र बोस, तो वहां पर क्या किया कि वहां पर जो पहले विश्व युद्ध में जो जर्मनी ने इंडियन सैनिकों को बंदी बना लिया था उनसे बातचीत करी उन्होंने, और उनसे बातचीत करके उनको बताया गया क्यों हमें अपने देश के साथ खड़ा होना चाहिए, हमें देश के लिए क्यों लड़ना चाहिए। तो फिर उनकी बात जो है इंडियन वॉर प्रिजनर्स जो जर्मनी के पास थे, ठीक है, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की बात समझी और मानी, और सुभाष चंद्र बोस को उन्होंने नेताजी का नाम दिया। तो नेताजी किसने दिया कि इंडियन वॉर प्रिजनर्स जर्मनी में के अंदर थे, उन्होंने नेताजी का नाम सुभाष चंद्र बोस को दिया, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इसके बाद आती है कि इंडियन नेशनल आर्मी जो है वो किसने बनाई, जिसे आजाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो आइडिया ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फर्स्ट कंसीव्ड इन मलाया, मलाया मतलब मलेशिया की बात हो रही है, बाय मोहन सिंह, ठीक है। मोहन सिंह एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे और इंडियन ऑफिसर थे ब्रिटिश इंडियन नेवी में, इंडियन आर्मी में, व्हेन ही डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन रिट्रीटिंग ब्रिटिश आर्मी। तो जो बदला ले रही थी या जो अंग्रेजी जो सेना थी, ठीक है, उसमें ही थे ये, मगर बाद में उन्होंने उसको छोड़ दिया और उन्होंने मतलब ये बोल लिया कि नहीं मुझे अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ना है और मुझे अपनी खुद की सेना बनानी है। तो अब उसके लिए उन्होंने जापान से सहायता मांगी और जापान हैंडेड ओवर द इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर। और जापान ने क्या किया कि जो जापान के पास काफी सारे इंडियन सैनिक बंदी थे क्योंकि वो पहले अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, तो उन सैनिकों को इनको दे दिया मोहन सिंह को, और इन्होंने मिलके टू मोहन सिंह हु ट्राई टू रिक्रूट इन टू इंडियन नेशनल आर्मी, और उन्होंने जो लोग राजी थे लगभग 50,000 लोगों की एक सेना बनाई जिसे क्या है इंडियन नेशनल आर्मी बोला गया। मगर वो शुरू में ज्यादा इंपैक्ट डाल नहीं पाए, और फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस जब जर्मनी से यहाँ पर सिंगापुर में पहुंचे जापान से हेल्प लेके सपोर्ट लेके, तो उन्होंने क्या किया 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस रीच्ड सिंगापुर एंड गेव द रोजिंग वॉर क्राई ऑफ दिल्ली चलो, और उन्होंने नारा दिया दिल्ली चलो, मतलब वो जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उनको उन्होंने लीड कर लिया और इंडियन नेशनल आर्मी के वो नए प्रेसिडेंट बन गए, और उन्होंने नारा दिया कि दिल्ली चलो, मतलब हमें हम हर हाल में अंग्रेजों के खिलाफ क्या है आंदोलन लड़ना है, अंग्रेजों को हराना ही हराना है।
ठीक है, और इंडिया पे क्या कर रहा है, मतलब अपने इंडिया को फ्री कर रहा है। तो यही पाया कि ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और उस समय देश को आजादी होते ही, मतलब ये, मतलब यहाँ पे क्या है, मोहन सिंह की ने जो इंडियन नेशनल आर्मी बताई उसको अपने लिए अंडर ले लिया। उसके अलावा इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग भी बनाई, मतलब एक तरीके से आप ऐसे कहो कि ये इंटरिम गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में था, जहां से बोला गया था अगर अंग्रेज तुरंत यहाँ देश छोड़ते हैं तो हम तुरंत क्या है, टेक ओवर कर लेंगे। तो सून बिकेम सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, और बाद में इंडियन नेशनल आर्मी के हेड भी बन गए। अब देखो यहां पर होता क्या है कि जब हम बात करते हैं यहां पर के इंडियन नेशनल आर्मी की, तो जब वो यहां पे उस जापान की सहायता से जब उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को लीड किया, तो वो उधर से अटैक करते हुए इन्होंने म्यांमार रीजन से अटैक किया, और क्योंकि उस टाइम पे जो है म्यांमार भी पहले कुछ थोड़ा टाइम पहले तक इंडिया में ही हुआ करता था, मतलब ब्रिटिश इंडिया में हुआ करता था, तो वहां पर भी काफी सारे ये सैनिक डिप्लॉय रहते थे। तो अब क्या किया कि उधर ही साइड से उन्होंने मतलब अटैक किया, और ऐसे करके मणिपुर रीजन तक वो पहुंच गए अटैक करते करते, मतलब ईस्टर्न रीजन से अटैक किया इंडिया की तरफ। और वहां पे बोल देते कि जो इंडियन सैनिक थे ब्रिटिश आर्मी में, उनको बोल देते थे कि हमें तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, तुम हट जाओ, हमें अंग्रेजी सेना से लड़ाई। और ऐसे करके उन्होंने बहुत ही अच्छा आंदोलन लड़ा, और वो जीत दिला ही देते हैं। मगर क्या हो जाता है ना कि जापान की हालत फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट में बहुत खराब होने लग जाती है, और जापान जो इंडिया जो इंडियन नेशनल आर्मी को सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट दिया था वो वापस ले लेता है, जिसकी वजह से होता ही है कि सुभाष चंद्र बोस के पास अब ना हथियार रहते हैं और ना ही खाने की, और वैसी भी कमी हो जाती है। और बाद में अंग्रेज क्या करते हैं, ऊपर से वो बॉम्बार्डिंग करना शुरू कर देते हैं, तो जिससे बहुत सारे हमारे सैनिक मारे जाते हैं इंडियन नेशनल आर्मी के। अब क्या हो जाता है वहां पे, वो स्लोगन भी देते हैं जय हिंद, मतलब हिंद की जीत हो, विक्ट्री ऑफ इंडिया हो, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। अब होता क्या है कि जब वो ये सारी चीजें वहीं पर ही कर रहे होते हैं, जब सारे इतना लॉस हो जाता है, तो वहीं पर ही ना मणिपुर वाले रीजन में ही आसपास ही, ठीक है, मणिपुर म्यांमार का जो रीजन है वहीं पर ही क्या है, वो लोगों से हेल्प मांग रहे होते हैं कि मुझे हेल्प करो ताकि मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकूं। तो वहीं पर ही एक बूढ़ी माई, मतलब अलग अलग तरीके से हेल्प दे रहे होते हैं, तो एक बूढ़ी माई आती है अपने बेटे के साथ, जो 18-20 साल का बेटा होता है, और उसके साथ वो मतलब ज्वेलरी वेलरी लेकर आती हैं और सुभाष चंद्र बोस को देती हैं कि ले बेटा, ठीक है, तू मेरी बचपन से और अभी तक की सारी जो है हीरे जवाहरात जो भी मतलब ज्वेलरी है वो सब ले ले, लेकिन देश को आजाद करा इनसे। तो अब सुभाष चंद्र बोलते हैं कि माँ मुझे ये तेरी ज्वेलरी नहीं चाहिए, मुझे तो तेरा ये बेटा चाहिए, ठीक है, मुझे ना इसे दे दे, ठीक है, क्योंकि आप सब लोग मिलके मुझे खून दोगे तभी तो मैं आजादी दिलाऊंगा। और तब नारा लगाते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। मगर बाद में फिर कोशिश बहुत करते हैं, मगर क्योंकि अंग्रेजी सेना और जापान का सपोर्ट ना होने की वजह से क्या हो जाता है कि वो फेल हो जाते हैं, काफी सारे सैनिक हमारे इंडियन नेशनल आर्मी के मारे जाते हैं। और बाद में फिर क्या करते हैं, फिर वो रेडियो चैनल पर, ठीक है, गांधी जी को मतलब रेडियो चैनल पर बोलते हैं कि गांधी जी जो है उनका जो रास्ता है अहिंसावादी, ठीक है, उसको मतलब उनके हिसाब से बोलते हैं कि अब इतने लोगों की जान चली गई तो कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं वो सही तरीके से जा रहे हैं, क्योंकि देखो तो इतने लोगों की जान जाने के बाद आज़ादी मिल जाती तो ठीक था, तो वो कहीं ना कहीं उन्हें फील होती है ये चीज़। तो इसके बाद वो गांधी जी को बोलते हैं फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता की बोलते हैं कि वो राष्ट्रपिता है, उनका सम्मान किया करिए। तो हमें पता है नहीं रहता ज्यादातर कि फादर ऑफ नेशन की उपाधि गांधी जी को किसने दी, तो सुभाष चंद्र बोस ने दी, ये चीज याद रखनी है। उसके थोड़े टाइम बाद ही क्या हो जाता है कि वो ताइवान से एक प्लेन पकड़े होते हैं 18 अगस्त 1945 को, और ऐसा बोला जाता है कि वो प्लेन क्रैश हो गया और फिर हमारे सुभाष चंद्र बोस इस दुनिया में नहीं रहे, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। अब कई थ्योरीज ये कहती हैं कि नहीं वो मरे ही नहीं थे, उनको रशिया की जेल में डाला गया, कुछ कहते हैं कि बंगाल में थे, बट एग्जैक्टली किसी को कुछ नहीं पता है सच में, ठीक है। अब अगर एक चीज है कि अगर सुभाष चंद्र बोस होते ना उस टाइम पर, तो सुभाष चंद्र बोस ही सारी चीजों को लीड करते, वही प्रधानमंत्री बनते, ठीक है, ये तो गारंटी थी, क्योंकि उनके मतलब वो अलग ही लीडरशिप क्वालिटी थी उनमें, अलग ही लेवल की। चलो अब एक चीज जो हो गई कि यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट जो था उसने इंटरनल, ठीक है, असर डाल दिया, और सुभाष चंद्र बोस ने एक्सटर्नल प्रेशर बना दिया बाकी देशों में, वो जर्मनी गए, रशिया, जापान, सब देशों ने, फिर बाद में अमेरिका भी इंग्लैंड को बोलने लगा, ठीक है, कि नहीं चलो अब इंडिया को आजादी दे दो, ऐसे करके मतलब इंटरनल प्रेशर क्रिएट हुआ, फिर सुभाष चंद्र बोस ने उधर से एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट किया, फिर यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनकी हालत भी थोड़ी सी खराब हुई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो इंडिया को फ्री करने के लिए आजाद हो जाते हैं, मतलब फ्री करने के लिए राजी हो जाते हैं। और अब ऐसे करके ब्रिटेन का पार्लियामेंट जो है इंडिया को आजाद करने के लिए, या इंडिया में मतलब पावर किसको ट्रांसफर करी जाए, किस तरीके से चीजों को मतलब पार्टीशन की बात हो रही है, मुस्लिम लीग अपना देश राज्य मतलब अगला से देश डिमांड कर रही, तो उन सब चीजों पर डिस्कशन करने के लिए ये क्या है, कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया 24 मार्च 1946 को।
अब जब ये 24 मार्च 1946 को आए तो इसके हेड कौन थे, तो तीन मेंबर्स थे इसमें, सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, अब यहीं पर ही बात आती है कि ये पैथिक लॉरेंस है, ये इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी था, ठीक है, 1945 से 1947 तक, और ये इस मिशन का हेड भी था। ये चीज याद रखनी, कई बार पेपर पूछा गया कि इसका हेड कौन था। तो अब ये क्या है कि ये इंडिया आया, ठीक है, कैबिनेट मिशन, मगर मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में सही तरीके से वो नहीं कर पाया, मतलब कि पावर ट्रांसफर करें तो किसको करें और किस तरीके से पार्टीशन होगा तो कैसे होगा, ये मतलब उन सब चीजों को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और ऐसे करके ये मतलब फेल हो जाता है। और इसी बात पे एक चीज क्लियर हो जाती है यहां तक आते आते कि अब इंडिया आजाद होने वाला है। अब जो मोहम्मद अली जिन्ना था ना, उसके भाई सांप लौट रहा है, एक सन की आदमी की वजह से क्या क्या हो सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है। ठीक है, तो अब सांप लौट रहा है, तो उनने क्या किया कि जैसे ही पता चला कि हम कहीं ना कहीं इंडिया आजाद होगा, तो उनने कहा कि नहीं, मुझे इंडिया आजाद होने से पहले अलग देश चाहिए, हमें अपना मुस्लिम कंट्री चाहिए, और ऐसे करके डायरेक्ट एक्शन डे मतलब हुआ है 16 अगस्त 1946 को। कई बार पेपर पूछ लिया गया कि डायरेक्ट एक्शन डे कब हुआ, तो ये चीज याद रखनी है। तो ये उसके बाद जब ये चीज क्लियर हो गई, तो व्हेन वाज द डायरेक्ट एक्शन डे, तो 16 अगस्त 1946, हु प्रेसाइडेड ओवर डायरेक्ट एक्शन डे, तो इट वॉज इनिशिएटेड बाय मुस्लिम लीग एंड लेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसको बुलाया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, बुलाया था मुस्लिम लीग के बिहाफ पर एक तरीके से। एंड व्हाट वाज द पर्पस ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे, तो डायरेक्ट एक्शन डे का पर्पस क्या था, तो व्हेन द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 फेल्ड टू फाइंड अ मिडल ग्राउंड बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग, जब ये फेल हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में कोई मिडल ग्राउंड नहीं फाइंड कर पाता, तो यूनाइटेड इंडिया एज अ लीगल, ठीक है, लीग वॉन्टेड टू सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम, और ऐसे करके मुस्लिम जो लीग थी वो अपना होमलैंड मुस्लिम होमलैंड चाहती थी, और ऐसे करके मुस्लिम लीग ने क्या किया, डायरेक्ट एक्शन डे बुलाया, मतलब उसमें ये बुलाया, इसमें ये जब मोहम्मद अली जिन्ना ने बुलाया तो यहाँ पर ये कहा कि हम आप मैं कुछ नहीं है नॉर्मल, हम मतलब वो बुला रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, भीड़ बुला रहे हैं, ठीक है, ताकि अपने लोगों को बता सकें कि हमारी क्या जरूरत है, हम क्यों हो सेपरेट होमलैंड चाहिए, सिर्फ ये कह के, तो कोई प्रिपेयर ही नहीं था। लेकिन भाई साहब उसने क्या किया, कुछ भीड़ को इस तरीके से भड़का दिया कि देखते ही देखे कत्ले आम होने लगे। एक ही दिन के अंदर पता नहीं 8-10 हजार लोग, हिंदू ने मुसलमान और मुसलमानों ने हिंदुओं को, इतने लोगों को काट दिया। शुरुआत उसने सिर्फ भड़काऊ भाषण से करवाई, ठीक है, पहले थोड़े बहुत जो होता है ना कि पिक्चरों में दिखाया जाता है कि थोड़े से मतलब भीड़ होती है और वहां पे गुंडा अपने 4-5 गुंडों को भेज देता है, ठीक है, और ऐसे करके वो 2-4 लोगों को मारते हैं, बाकी काम भीड़ खुद कर देती है। तो यहीं पे ऐसे ही उनने भी करवाया, कुछ लोग अपने भड़का दिए और भीड़ में, और धीरे धीरे करके कत्लेआम होने लगा। और भाई उस दिन को मैन स्लॉटर डे के नाम में जाना जाता है, मतलब इंसानों का कत्लेआम, सोच रहे हो, एक सन की आदमी की वजह से, और जब इतना ज्यादा किसी को उम्मीद भी नहीं थी, और जब इतना बुरी तरीके से कत्लेआम होने लगा तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की मतलब दिक्कत हो गई। अब क्योंकि 8 से 10 हजार लोगों का कत्लेआम हो रहा है, तो उनके पूरे देश में चाहने वाले कहीं ना कहीं होते ही हैं, और ऐसे करके पूरे देश में कहीं ना कहीं खून खराबा होने लगा, जिसको जहां दिखे एक दूसरे को काटने लगे, बहुत एक दूसरे के मतलब नफरत फैल गई हिंदू मुसलमानों में एक तरीके से, काफी लोगों में। अब इतनी ज्यादा नफरत फैल गई, इतनी ज्यादा दिक्कत हो गई कि मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब तो भाई किसी भी तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना उसे समझा रहे हैं, तो भाई नहीं, उसे होमलैंड ही चाहिए, सन की आदमी ने बिल्कुल ही सुनने कोई तैयार नहीं किसी तरीके से कि नहीं हमें सेपरेट ही चाहिए। अब बिना वो, वही होता है ना कि कुछ लीडर की बात मानते हैं कुछ लोग, तो वो चीज़ हो रही थी। और इसलिए जब पूरे देश में कत्लेआम होने लगा, तो बाद में परेशान होके क्या किया कि क्लीमेंट एटली जो है, ठीक है, उस समय जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने एक एटली डिक्लेरेशन करी 20 फरवरी 1947 को, जिसमें कहा कि अब इतना कत्लेआम हो रहा है, इतनी दिक्कत है, तो उसमें ध्यान रखते हुए प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन क्लीमेंट एटली डिक्लेयर्ड ऑन फरवरी 20, 1947 इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, इंग्लैंड में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसमें कहा कि द ब्रिटिश वुड क्विट इंडिया आफ्टर ट्रांसफरिंग पावर इन टू द रिस्पॉन्सिबल हैंड नॉट लेटर देन जून 1948। तो उन्हें कहा कि हम 1948 जून तक हम पावर ट्रांसफर कर देंगे। कितनी तारीख तक, ये डेट याद रखनी है, जून 1948 तक पावर ट्रांसफर कर देंगे, 15 अगस्त 1947 नहीं, ठीक है, तो जून 1948 तक ट्रांसफर करने के लिए कहा। एंड द आइडिया वॉज दैट इंडियन शुड सेटल देयर इशू बिफोर दैट, और ये कहा गया कि इंडियंस जो है अपना इशू, जैसे मुस्लिम लीग और इन सबके बीच में, कांग्रेस के बीच में है, या मुस्लिम लीग किस तरीके से कर रही है, उसे सॉल्व कर लें। और इसके अलावा इन्हें और अनाउंस किया कि ही ऑल्सो अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ लॉर्ड माउंट बैटन एज अ वाइस रॉय इन प्लेस ऑफ लॉर्ड वेवल, और ऐसे करके लॉर्ड माउंट बैटन की जगह, मतलब लॉर्ड वाइस जो वेवल थे वाइस रॉय, उसकी जगह बोला गया कि हम नया वाइस रॉय जो है यहाँ पे इंडिया भेजेंगे, लॉर्ड माउंट बैटन, और ऐसे करके नया वाइस रॉय, ठीक है, यहाँ पे इंडिया में आया, जिसका नाम था लॉर्ड माउंट बैटन। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे समझनी है कि जब लॉर्ड माउंट बैटन जो है, जब वो
नए वाइस यहाँ पर क्या है, वाइस रॉय बन के इंडिया में आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर इंडिया में आ जाते हैं, अब वो इंडियंस जो थे मतलब कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग उनके बीच में वो सेटल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि कुछ किस तरीके से सेटल की जाए चीजें। अब उनके बीच में जब सेटल करने की कोशिश करते हैं तो माउंटबेटन प्लान जो है वो 3 जून 1947 को बना, ठीक है। अब इसमें क्या आता है कि लॉर्ड माउंटबेटन आर्म्ड विद अ वास्ट पावर बिकेम इंडियाज वाइस रॉय ऑन 24 मार्च 1947। तो इस वो लॉर्ड माउंटबेटन को वाइस रॉय बना के भेजा गया 24 मार्च 1947 को, बहुत सारी पावर्स दे के, ठीक है, जिसमें बोला पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान अपीयर्ड जो है मतलब इनविटेबल उसी के हाथ में, ताकि अगर जरूरत पड़े तो हाँ पार्टीशन कर सकते हैं। आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन लॉर्ड माउंटबेटन पुट फोर्थ द प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन 3 जून 1947, और ऐसे करके उसने पार्टीशन का प्लान स्टार्ट किया, ठीक है। उस पार्टीशन के प्लान को क्या बोला गया है, या लॉर्ड माउंटबेटन प्लान बोल सकते हो, जिसमें बोला मतलब 3 जून 1947 को, जिसमें बोला गया कि ठीक है इंडिया के दो पार्ट किए जाएंगे, एक मतलब आप ऐसे कहो कि जो है इंडियंस वाला होगा जिसमें सारे होंगे, और एक मुस्लिम जो होगा जिसे जिनना चाहते हैं वो होगा, जिसे पाकिस्तान कहा जाएगा। तो यहाँ पे द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग अल्टीमेटली अप्रूव द माउंट बेटन प्लान। अब यहाँ पे क्योंकि इतने कत्लेआम हो रहे थे तो भाई बहुत समझाया, कोई मान नहीं रहा था, तो फिर मजबूरी में मानना पड़ा, और ऐसे करके अब तारीख डिसाइड की गई कि अब कब पार्टीशन किया जाए। तो पंडित जी को बुलाया गया और पंडित जी ने बोला कि 15 अगस्त 1947 जो है मतलब वो सही टाइम रहेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे वो डेट डिसाइड की गई, और यहीं पर ही 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लाया गया, जिसके तहत पार्टीशन को पूरी प्रक्रिया की गई। तो ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया एंड ऑन 14 अगस्त पाकिस्तान केम इन टू एग्जिस्टेंस एज टू इंडिपेंडेंट स्टेट। तो अब पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया आज़ाद होने से पहले चाहता था अलग होना, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को अलग कर दिया गया इंडिया से, और वो पार्टीशन हो गया। और तो इसलिए उसका कोई इंडिपेंडेंस डे नहीं होता, उसका फॉर्मेशन डे होता है, क्योंकि वो आज़ाद नहीं हुआ, आज़ाद इंडिया हुआ था, और इंडिया का 15 अगस्त 1947 को होता है। अब इनके लिए बॉर्डर बनाने के लिए कमीशन बनाया गया, जिसे रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन बोला गया है, ड्रू द बाउंड्री सेपरेटिंग द इंडिया एंड पाकिस्तान। तो अब ये याद रखो कि जो है रेड क्लिफ जो कमीशन है या रेड क्लिफ लाइन है वो किस किस के बीच में है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और इंडिया बांग्लादेश के बीच में भी है, क्योंकि पहले जो ईस्ट पाकिस्तान ही था बांग्लादेश, तो उसके बीच में भी बाउंड्री बनी थी, तो याद रखना। इसके बाद जब आज़ाद हो गया इंडिया, तो लॉर्ड माउंट बैटन वॉज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब इंडिया आज़ाद होने के बाद हमने तुरंत लॉर्ड माउंट बैटन को, तो ठीक है एकदम से जाने नहीं दिया, उनको कहा कि आपको पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस है सरकार कैसे चलाते, तो आप हमें थोड़ा सा गाइड करो। तो आज़ाद होने के बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ जो है फ्री इंडिया जो बना, ठीक है, वो है बना ये लॉर्ड माउंटबेटन। आज़ादी के बाद जो पहला गवर्नर जनरल बना वो लॉर्ड माउंटबेटन बना, मतलब हेड। वेयर एज मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, मगर पाकिस्तान ने अपना गवर्नर जनरल खुद ही बनाया, ठीक है, किसको, सॉरी मोहम्मद अली जिन्ना ने मतलब पाकिस्तान को खुद ही गवर्नर बना, ये चीज़ याद रखनी है। अब इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन के बाद जो है क्या हो गया कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, आजाद होने के बाद पहला ही इंडियन गवर्नर जो फ्री इंडिया का, उसी राजगोपालचारी बने, तो ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद फिर प्रधानमंत्री बनने लग गए, और ऐसे करके फिर हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई, और तब से अब देश चल ही रहा है, अभी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं आप सब जानते ही हैं। तो बड़ी दिक्कतें हुई, लोगों को लगता है कि मतलब इतना आसान था इस तरीके से। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि पार्टीशन की शुरुआत बंगाल पार्टीशन से टाइम से ही हो गई थी, फिर रही बच्ची का सर 1906 में मुस्लिम लीग से, फिर 1909 में जब मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, और धीरे धीरे करके 1937 में जब इलेक्शंस हुए थे, जब मुस्लिम लीग को ठीक ठाक थोड़ा सा सपोर्ट मिलने लगा, तब से और ज़्यादा दिमाग खराब होने लगा, और बाद में तो डायरेक्ट एक्शन डे, तो एक आदमी ने इतना पागल बना दिया पूरा के कत्लेआम करवा दिया, के तो जिसकी वजह से चाहते नहीं थे बट फिर भी ठीक है पार्टीशन मजबूरी सी बन गई करवाना, और ऐसे करके वो चीज़ हुई, ठीक है। तो ऐसे करके फिर आज हमारा इंडिया आज़ाद हुआ। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि देखो इतनी आसानी से नहीं मिली है आज़ादी, ठीक है, बहुत हमारे वीरों ने, बहुत ही हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपने अपने प्राण गंवाए हैं, तो इसलिए सबका सम्मान करो, इस आज़ादी को सही तरीके से यूज़ करो, ठीक है, थैंक यू।